अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब भाई? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं आपका भाई मोहम्मद बिलाल तो आप लोगों के लिए न्यू वीडियो प्रीकास्ट पे बनाने जा रहा हूँ। तो ये सामने प्रीकास्ट है, अब स्टेडियम वाली जो है वो रात में पोस्ट करेंगे, तो क्रेन वाली तो ये जो है वो कल सुबह 5 बजे पोस्ट करेंगे इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम। सहरी के बाद जो है ना 4-5 बजे ये प्रीकास्ट वाली वीडियो में पोस्ट करूँगा। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो इतना कर दिया करें हमारे लिए। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप भाइयों के लिए, और आप हमारे लिए सब्सक्राइब नहीं करते। इतने एक वीडियो पे समझ लो कि अगर 5000-4000 व्यूज़ आते हैं उसमें से 1000 बंदा भी सब्सक्राइब करे तो हमारे लिए जो है ना वो हमारी हेल्प हो जाएगी उससे, और उससे जो है ना हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी, तो हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। तो ये देखें, ये कॉलम है अंदर जाने के लिए, यहाँ पे रखे हैं, ये तैयार होंगे। तो ये उसी क्रेन के लिए हैं जो आप लोगों को दिखाई है, तो उसके लिए रेडी होने के लिए इधर रखे हुए हैं, वैसे ही उधर रखते हैं। तो ये बनते इस तरीके से हैं, ये देख लें। सबसे पहले आपको ये कॉलम दिखाता हूँ मैं, बाकी सब जो है ना, क्योंकि सबसे पहले लगते भी कॉलम ही है, बाकी सारा कुछ इसके बाद उसके ऊपर आता है। तो ये कॉलम इस तरीके से बनते हैं। ये जो प्लेटें लगी हुई हैं ये सामने देखें ऊपर लगी हुई हैं, अभी ये सरिया वरिया इसका लगा हुआ है, ये सामने जो है ये उठाने के लिए हैं, इसके इसको निकाल के इसमें जो डॉक बॉन्ड होगा उसको लगा के हम इसको उठा लेंगे। वो सामने सीढ़ियाँ बनती हैं जो आप लोगों को दिखाई थी, तो सीढ़ियों की शटरिंग है, वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती हैं। अभी फ़िलहाल वो भरी भी नहीं है उसमें कोई, वरना आपको दिखा देता। तो ये कॉलम यहाँ पर बनते हैं, ये वाले यही सेम कॉलम यहाँ पर लगा हुआ है जो ये पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी वही कॉलम है, वो उसके सामने भी वही कॉलम है। तो ये उठाने के लिए माई जैक खड़ी है सामने, तो अभी इनको जैक शैक लगने हैं। तो अभी आपको चलते हैं, अब इनके ऊपर जो आते हैं वो बीम आते हैं, तो हम आपको बीम दिखाते हैं इसके, उसके बाद आपको स्लैब्स दिखाएंगे, सीढ़ियाँ दिखाएंगे, ब्लीचर दिखाएंगे, स्टेप्स दिखाएंगे, सब कुछ आपको आज विज़िट करवाएंगे हम। ये वाली जो है ये बीमों की शटरिंग है सारी, ठीक है, इस पे बीम लगते हैं, लेकिन ये इस तरह खड़े करके ना, ये इसकी शटरिंग लगी हुई साइडों पे, ये वाली ये शटरिंग इस तरह खड़ी करते हैं, उधर से वो वाली खड़ी करते हैं। तो इसके अंदर जो है ना सरिया, फिर जाल रख के उसके ऊपर केबलें खींचते हैं, तो इस तरीके से ये करते हैं। ये स्टेप्स हैं जो हम लोग रख रहे थे उस दिन भी 50 टन से आप लोगों को दिखाए थे, तो अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि बनते कैसे हैं, भरते कैसे हैं। ये देखें, ये इसकी शटरिंग रेडी है इनकी ना, देख सकते हैं आप जैसे वो बने हुए हैं, इसी तरीके से इसमें सरिया लगा के तो इसके ऊपर जो है ना कंक्रीट कर दी जाएगी, तो उसके बाद इनको उठा लेंगे। ये देख लें, ये सारे इन स्टेप्स की शटरिंग है, और ये जितनी भी शटरिंग पड़ी हुई है सारी बीमो की है, ठीक है। और ये जो शटरिंग पड़ी हुई है, ये वाली जो है ना ब्लीचरों की शटरिंग है, ये सामने जो ब्लीचर पड़े हुए हैं ये वाले, तो ये जो शटरिंग है ये इन ब्लीचरों की है, ठीक है। ये रही, यहाँ पे इस तरीके से शटरिंग लग के ब्लीचर, तो इसके ऊपर वो इनके ये इसका ऊपर आ जाते हैं शटरिंग के, तो उसके बाद इसको भराई कर देते हैं सरिया लगा के, ठीक है। ये फ्रंट वाले पड़ी हुई हैं, ये ऊपर लगनी है, जब ऊपर वाले बड़े रैकर रख लेंगे ना, तो आप रैकर दिखाते हैं आगे चल के जो रखने हैं। तो ये भी ब्लीचर पड़े हुए हैं सामने, ये स्लैब्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, ये स्लैब्स पड़ी हुई हैं। पहले कॉलम लगते हैं, कॉलम के ऊपर बीम आता है, तो उसके ऊपर फिर ये स्लैब्स आती हैं। ये काफ़ी वीडियोस में आपने देखा भी होगा, जो स्टेडियम पे बनती हैं उन पर रखी हुई हैं, ठीक है। ये सारे इधर बहुत दूर दूर तक ये सारा जो है ना ये पड़े हुए हैं, और ये रैकर पड़े हुए हैं, ये वाले रैकर ऊपर आएंगे, बड़ी क्रेन रखेगी सामने, उसके ऊपर फिर ये ब्लीचर आएंगे सामने वाले, तो ब्लीचर आने के बाद फिर उनके इनके आगे जो है ना वो फ्रंट वाले लगनी है, ठीक है। ये हमें बीम से भी इधर ही मिल गए हैं, तो आपको बीम दिखा देता हूँ। ये बीम है, उधर आपको शटरिंग दिखाई थी किस तरीके से लगती है, तो वो इस तरीके से यहाँ पे शटरिंग खड़ी हो जाती है, उधर से इस तरह खड़ी हो जाती है, तो ये फिर इसके बाद ये सरिया जैसे लगा हुआ है, इसमें सरिया लगा के इनमें केबलें स्ट्रेचिंग होती हैं, वो आपको सामने वाले में दिखाता हूँ, इसमें नहीं है, तो किसी किसी में जो है ना वो नहीं है, तो ज़्यादातर में ये देखें ये केबलें हैं, ये काटी हुई हैं, इस तरह केबलें डाल लेते हैं पूरे में, फिर उसको खींचते हैं पंप से, तो उसके बाद फिर ये रेडी हो जाते हैं, उसके बाद इसको भर देते हैं, भरने के बाद ये केबलें काट देते हैं, ठीक है।
इसी तरीके से ये इसमें भी कैबिनेट भी डलती हैं और बाकी जाली डलती है। ये भी फ्रंट वाले हैं, ये सामने बीम्स पड़े हुए हैं, ये देखें अभी बहुत माल पड़ा हुआ लगाने वाला। ये देखें ये सारे इधर ये स्लैब्स पड़ी हुई हैं, सामने आगे रैकर पड़े हुए हैं, कॉलम पड़े हुए हैं, तो इसी तरीके से वो सामने सारे बीम्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो बहुत अभी बड़ा हुआ माल लगाने वाला। ये भी सामने बीम्स हैं सारे, ये इसी तरीके से ये सारा अभी ना माल पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह जब ये लगेगा, जैसे जैसे लगेगा तो आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह लगता है। तो लगने का इसका तरीकाकार तकरीबन सबका सेम ही होता है। इसमें ये देखें इस तरह सब में ये लगे हुए हैं उठाने के लिए ना, इधर भी कुंडा है, इधर भी इसी तरीके से उधर है, इसमें स्लैब्स में है, ये सामने स्लैब्स में एक वो रहा है, एक आगे इसी तरीके से उधर है। तो इसको इससे उठा के, तो यहाँ से वो वाली माइजैक उठाती है, वो उठा के ट्राले पे लोड करती है, उधर जाता है, उधर क्रेन से अनलोड करते हैं। इसकी केबलें शेबलें काटनी पड़ती हैं, वो काट के इसको फिर उठा के ऊपर बीम्स पर रख देते हैं, बस सिंपल है। तो फिर इसके ऊपर सरिया लगता है, तो इसको ऐसे जी होती है, यही तरीकाकार है इसका सेम, ठीक है। तो अभी मेरे हिसाब से काफ़ी भी होगी है। अगर किसी को किसी यानी कि किसी आइटम पे डिटेल में कुछ वीडियो चाहिए हो, अपडेट चाहिए, तो वो मुझे बता देना कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं उस पर आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो जब मैं सुबह 4-5 बजे पोस्ट करूँगा, तो सब भाई इंतज़ार करना, ठीक है।